Hello everyone, my name is Raj Tilakpal and I am back with a new tutorial series on data analysis. इस tutorial series में हम लोग proper data analysis सीखेंगे. For example, data को clean कैसे करते हैं, what should be the questions before analysis, what should be the questions during analysis and all that fun stuff. By the way, we will be doing data analysis in Python. We will use a library called Pandas. Pandas provides us tools to perform data manipulation and analysis. मैं इस सीरीज में Pandas के ऊपर ज़्यादा डीप नहीं घुसूंगा, but if you don't know how to use Pandas, I would recommend you to check out my Pandas tutorial series, जिसमें मैंने डिटेल में Pandas functions के बारे में पढ़ाया है. So let's get started. So what is data analysis? According to Wikipedia, data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting decision making. मतलब if you have a data set, आप अपने data में घुस के analysis करते हो और आपके company के लिए जो भी फायदेमंद हो वो आप निकाल के बताते हो. If you are working for an e-commerce company, आपको बोला जाए कि भाई तू ये लास्ट ईयर का डेटा ले और बता कौन सा प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर और इस बार क्या करना चाहिए. तो यू हैव टू गो इन टू योर डेटा एंड उसको एनालाइज करके आपको ये बताना होता है कि ये बेसिकली आइडिया देना होता है कंपनी को कि भैया ये प्रोडक्ट लास्ट टाइम ज़्यादा बिका था, इस बार इस प्रोडक्ट का बिकने का चांसेस ज़्यादा है, सो ये आइडिया लगाओ, मस्त काम करेगा. बट इसके स्टेप्स क्या है डेटा एनालिसिस करने का, सो लेट्स सी. वैसे कोई फॉर्मेट नहीं है डेटा एनालिसिस का, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग सम स्टेप्स विथ विच यू कैन गेट स्टार्टेड विद. फर्स्ट कम्स गैदरिंग डेटा. इस स्टेप में आप डेटा लाते हो, यू गैदर डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. फॉर एग्जांपल आप सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में डेटा ला सकते हो, विच वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो ऑफ अवर पैंडास ट्यूटोरियल सीरीज. आप एपीआई से फेच कर सकते हो एंड मेनी मोर. नेक्स्ट स्टेप इज आस्किंग क्वेश्चंस. Now that आपको डेटा मिल गया, you have to ask questions. आप अपने डेटा से चाहते क्या. Next step is to wrangle with your data. In this step, you take a close look at your data और आप डेटा को जानते हो. You look for mistakes, missing values and many more. Basically, डेटा का pre-processing करना होता है. Next step is the exploratory data analysis. In this step, you dive deep into your data और फिर full-fledged analysis करते हैं. The next step is drawing conclusions. आपने जो भी analysis किया उसका conclusions आप निकालते हो और एक जगह पे note करते हैं. The last but not the least is communicating results. इस step में आप अपने team member से या फिर boss के साथ communicate करते हो कि भैया मैंने ये analysis किया इस dataset पे और आपको ये स्टेप्स लेना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स इन डिटेल गैदरिंग डेटा. आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा, बट अगर किसी भी पॉइंट पे आपको खुद डेटा निकालना पड़ जाए तो यू विल हैव फोर वेज टू डू दिस. फर्स्ट, आपके पास डेटा CSV फॉर्मेट में किसी भी आर्काइव में स्टोर हो, यू कैन जस्ट ब्रिंग दैट फाइल इन टू योर सिस्टम, या फिर यू कैन फेच डेटा थ्रू APIs. ये बहुत ही ईजी होता है, यू जस्ट हिट एन URL और वो घूम के आपको डेटा रिटर्न करता है. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म वेब स्क्रैपिंग. आप किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप करके डेटा निकाल सकते हो. Trivago इज अ गुड एग्जाम्पल. Trivago दूसरे वेबसाइट्स को स्क्रैप करके अपने डेटाबेस में स्टोर करती हैं डेटा. नेक्स्ट इज डेटाबेसेस. यू कैन रन SQL कमांड्स और डायरेक्टली आप डेटाबेसेस से डेटा निकाल सकते हो. Now let's talk about asking questions. Now that you have the data with you, you have to ask ki main is data se nikalunga kya. For example, if you are working with the Titanic dataset, so a question could be, does being a female increase your chances of survival in the Titanic? Of course, iska answer yes hoga, but you have to prove it through your analysis. Next step is to know your data. You have to assess your data. आप अपने डेटा को तारते हो एंड यू लर्न योर डेटा. लर्न मतलब आप डेटा को मेमोराइज नहीं करते हो, आप अपने डेटा को जानने लगते हो. यू पिक अप द फॉल्ट्स इन योर डेटा. यू पॉइंट आउट मिसिंग वैल्यूज. डेटा में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कि नहीं. इज योर डेटा इवन सूटेबल फॉर द एक्सपेक्टेड एनालिसिस.
फिर आप अपने डेटा को क्लीन करते हो, यू फिल आउट द मिसिंग वैल्यूज, यू माइट रीस्ट्रक्चर योर डेटा इफ नेसेसरी, यू कैन ड्रॉप कॉलम्स इफ यू थिंक दोज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एनालिसिस इन एनी वे, बट ड्रॉपिंग कॉलम्स इस स्टेज में प्रेफर नहीं किया जाता है. सो एंड ऑल दैट फन स्टफ, तो आप डेटा को प्री प्रोसेस करते हो. नेक्स्ट कम्स EDA. इस स्टेप में आप अपने डेटा में घुस के फुल फ्लेज्ड एनालिसिस करते हो. You draw all kinds of charts. You try to find correlation between columns. You try to answer the questions that were asked, and you find out everything that you can extract from the data. आप अपने डेटा को निचोड़ते हो. Now that you have completed your analysis, it is very important to summarize them. For example, मैंने PUBG का dataset के ऊपर एक analysis किया था. ये उसके ही conclusions हैं. Don't just be a walker or a rider. Find a sweet spot between walking and riding. ऐसे आप नोट डाउन करते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द समरी ऑफ योर एनालिसिस, सो दैट जो बंदे को आप कम्युनिकेट करते हो रिजल्ट्स, उसको एक हाई लेवल ओवरव्यू मिले आपके एनालिसिस के बारे में. बाय द वे, इफ यू वांट टू सी द पबजी एनालिसिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स. आप डेटा को एनालाइज करने के बाद चुप तो नहीं बैठोगे. यू विल कम्युनिकेट इट विद द पर्सन हु हैज गिवन इट. आपको CEO के सामने भी प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ सकता है. बहुत लोग इसको डेटा स्टोरी टेलिंग भी बोलते हैं. क्यों? आई गेस आप खुद ही गेस कर चुके होंगे. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज के ये स्टेप्स लीनियर नहीं है. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के आफ्टर डेटा डैंगलिंग आपको EDA ही करना पड़ेगा. यू कैन जंप फ्रॉम एनी स्टेप टू एनी स्टेप. ऐसा हो सकता है कि आप डेटा गैदर करने के बाद डेटा डैंगलिंग करके आस्किंग क्वेश्चंस पे जाओ, या फिर सपोज आप CEO के सामने रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हो, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स पे हो, और CEO बोलता है कि तुम्हारा एनालिसिस ठीक नहीं है. सो यू हैव टू अगेन गो बैक टू आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर से EDA करना पड़ सकता है. सो दीज स्टेप्स आर नॉट लीनियर. किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप पे जंप कर सकते हो. नाउ एक क्वेश्चन यू माइट हैव इज वेयर द हेल डू आई गेट द डेटा फ्रॉम. तो मैंने आपको चार प्रोसेसेस बताया, बट आप शायद उससे खुश नहीं होंगे. यू कैन फेच डेटा फ्रॉम APIs, बट आपको अगर APIs हैंडल करना नहीं आता, सो दैट ऑप्शन डज नॉट हेल्प यू. ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू वेब स्क्रैपिंग, बट आप बोलोगे भैया हमको वेब स्क्रैपिंग भी नहीं आता, वो ऑप्शन भी गया. आप डायरेक्ट डेटाबेस से निकाल लो, बट आप बोलोगे मेरे को SQL नहीं आता है. ठीक है, द ओनली सूटेबल ऑप्शन इज कि आपको अगर CSV फॉर्मेट में कहीं से डेटा मिल जाए, बट आपको डेटा मिलेगा कहाँ से? बहुत सारी वेबसाइट्स है. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट फेमस वन इज कैगल. लेट मी शो यू कैगल से डेटा निकालना कितना आसान है. बाय द वे, थैंक यू, PPT खत्म हुआ. सो इन योर सर्च बॉक्स यू हैव टू टाइप कैगल, और इस वेबसाइट पे जाना है kaggle.com. जैसे आप कैगल पे आते हो, ऐसा एक न्यूज़ फीड दिखेगा पहले. सो यू हैव टू गो टू दिस सेक्शन कॉल्ड डेटा, एंड हियर यू हैव एक्सेस टू मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स. ये सारे डेटा सेट्स हैं, एंड नॉट ओनली CSV फॉर्मेट में, बहुत सारे फॉर्मेट है, JSON फॉर्मेट है, बिग डेटा है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं. तो ये वेबसाइट फेमस ही हुआ था अपने डेटा सेट्स के लिए. अभी दिस इज ओन्ड बाई गूगल, सो यू कैन सर्च फॉर डेटा सेट. मैं IPL डेटा सेट सर्च करता हूँ. सो दिस इज द डेटा सेट. सो हियर यू गेट अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर डेटा सेट इफ यू एक्सपेंड दिस. यू कैन रीड दिस. यहाँ पे आपको उस डेटा सेट का हर CSV फाइल मिल जाता है. सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू देम, और एक छोटा सा प्रीव्यू मिल जाता है अपने CSV फाइल का कि उसके अंदर है क्या. कैगल थोड़ा सा एनालिसिस करके देता है. ठीक है, सो हाउ कैन यू डाउनलोड दिस. आप यहाँ पे डाउनलोड देख सकते हैं, बट टाइम भी का है. एज सुन एज यू हिट दिस, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग. बट आपके केस में ऐसा हो सकता है कि इट माइट आस्क यू टू साइन इन. ऑफ कोर्स आपको साइन इन करना पड़ेगा डेटा डाउनलोड करने के लिए. सो यू हैव टू साइन इन, और ऐसा एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आप सेव कर सकते हो. आप एक फाइल पकड़ के भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे, सो दैट यू इफ यू वांट अ पर्टिकुलर फाइल, आप यहाँ पे डाउनलोड हिट करो और आ जाएगा आपका. ठीक है, सो इट इज दिस ईजी. सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग विथ दीज स्टेप्स. यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट द pandas tutorials agar aapko koi function samajh mein nahi aaya to. So thank you for watching and stay tuned through the whole tutorial series.